प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इबाज क्लोजेट। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत श्री फैब्स के सूट्स लेकर आई हूँ। इंडियन रेप्लिकास हैं, एडेंस लिबास का ये वॉल्यूम 2 है। अभी हाल ही में मैंने वॉल्यूम 1 की वीडियो करी थी, वो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया उन सूट्स को, तो फिर मैं दोबारा वॉल्यूम 2 लेकर आई हूँ और इतने खूबसूरत सूट्स हैं कि देखकर आपका दिल खुश होने वाला है। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल ये आप देख रहे हैं हमारे पास 6 पीसेज है। ये पिक्चर्स जो होती है ये ओरिजिनल होती है बट रेप्लिकास होते हैं इंडियन। ओके, तो ये टोटल हमारे पास 6 पीसेज है। सबसे पहले मैं आपको ये ब्लैक वाला सूट दिखा देती हूँ। ये देख लें, डिजाइन नंबर 1 कॉटन के ऊपर है। ये कुछ सूट्स में नेट एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टाज हैं और कुछ में शिफॉन दुपट्टाज हैं। प्राइसेस वगैरह सब स्क्रीन पे मेंशन है, मेरा नंबर भी मेंशन है और व्हाट्सएप लिंक भी मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आप देख लीजिए, हमारा डिजाइन नंबर 1 पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। ये पार्टी में, समर्स में जो पार्टीज होती हैं तो उनके लिए बहुत परफेक्ट रहेंगे ये सूट, क्योंकि ज्यादा भारी लोग पहनना पसंद नहीं करते गर्मी में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। तो ये देख लीजिए, पूरा जो आप देख रहे हैं ये हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसके ऊपर। ये सब जो आप देख रहे हैं पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। प्लस मैं आपको दिखा देती हूँ स्लीव्स, इसकी स्लीव्स भी बहुत ज्यादा हैवी है, पूरा एम्ब्रॉयडरी हो रही है स्लीव्स के ऊपर। ये यहाँ पे इन्होंने एक पैच भी दिया हुआ है, पट्टी लगी हुई है डिफरेंट शेड से। तो ये देख लीजिए, ठीक है, और अपीलिंग बना रही है। अब आपकी विश है कि आप इसको लगवाना चाहते हैं या इसको निकलवाना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए आप, इसका हैवी एम्ब्रॉयडरी मिडिल पैनल, पूरा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, मिडिल पैनल है रेशम के काम के साथ पूरा। अच्छा, साइज बहुत अच्छा दिया हुआ है, काफी हैवी भी है तो उसमें भी आराम से, उन लोगों को ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा। और हाइट मतलब लेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है इन सूट्स की, तो वो आपको वीडियो में ही पता चल ही रहा होगा। तो ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड देख लीजिए, इसकी पूरी ये दामन वाली कढ़ाई है, उसके बाद इन्होंने देखिए ये यहाँ पे शिफली वर्क दिया हुआ है, तो ये बड़ा खूबसूरत सा फैब्रिक है इसका। और ये देख लें आप इसकी, ये देख लीजिए पूरा ये सब इन्होंने अच्छा काम दिया हुआ है, हैवी वर्क है, शिफली वर्क है ये। तो एक बार ओवरव्यू तो बनता है सूट का, तो मैं ओवरव्यू दिखा देती हूँ आपको। तो ये देख लीजिए, नेकलाइन वाला पार्ट, मिडिल पैनल एंड दिस इज दामन। अच्छा, बैक हमेशा की तरह वो प्लेन ही है। ये है इसका कॉटन में ट्राउजर, ठीक है। अच्छा, श्री फैब्स का मैं एक बता दूं कि देखिए आप लोग लेते हैं, श्री फैब्स के बहुत मशहूर है, श्री फैब्स अच्छे रेप्लिकास माने जाते हैं, तो इनकी थोड़ी सी जो क्वालिटी होती है वो जैम कॉटन टाइप होती है, मिक्स कॉटन आती है, क्योंकि इतने हैवी सूट प्योर कॉटन में अच्छे भी नहीं लगते, ठीक है। तो थोड़ी सी शाइनिंग होती है इस कपड़े में। तो ये आप देख लीजिए, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पूरा दुपट्टा है इसका नेट का, प्लस ये टजल्स भी दिए हुए हैं साथ में। तो ये आप बीच वाला पार्ट देख लीजिए, काफी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। ये पल्लू है इसके, दुपट्टे की लेंथ वही 2.5 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट हम डिजाइन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि येलो शेड है, बड़ा खूबसूरत सा डिफरेंट सा शेड है और बहुत ज्यादा बॉडी टाइप्स नहीं है, जो बहुत डार्क येलो होता है वो नहीं है। तो दिस इज डिजाइन नंबर 2, ये शिफॉन दुपट्टे के साथ दिया हुआ है। ये देख लें, सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ लोग पैचेस से बहुत घबराते हैं, तो इन सूट में पैचेस नहीं है, पैचेस जो भी है वो सब अटैच आए हैं कंपनी की तरफ से ही। तो ये आप डिजाइन नंबर 2 देख लीजिए, ये साइड में देखिए, ये जो फैब्रिक है ये शिफली वर्क है और कॉटन के साथ है, प्लस ये जो पैच है ये इन्होंने अटैच करके दिया है साथ में, इन्होंने ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, पूरा सीक्वेंस वर्क और रेशम का वर्क है। अब आप इसका मिडिल पैनल चेक कर लीजिए, मिडिल पैनल भी बड़ा खूबसूरत सा दिया हुआ है, ये देख लें। फिर ये आ गया देखिए लोअर दामन जो होता है, अपर दामन, ये दामन से ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। अब आप इसका दामन देख लीजिए, दामन भी काफी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, तो ये दामन वाला वर्क है पूरा, ये ऐसे इन्होंने कटवर्क के साथ आता है, इसको बोलते हैं शिफली वर्क, ठीक है। और ये दामन पे इन्होंने पूरे पैचेस अटैच करके दिए हैं, तो ये आप देख लीजिए, खूबसूरत सा पैच है, अटैच्ड है, सीक्वेंस वर्क, रेशम की कढ़ाई है। तो एक बार इसका ओवरव्यू दिखा देती हूँ। अच्छा, स्लीव्स रह गई है, स्लीव भी दिखा देती हूँ। स्लीव चेक कर लीजिए, बड़ी खूबसूरत सी हैवी स्लीव दी हुई है, पूरी स्लीव्स हैवी है, ये आप चेक कर लीजिए, ये देख लें, ठीक है। तो ये हो गई स्लीव्स, एक बार ओवरव्यू तो बनता है इसका, तो ये आप ओवरव्यू चेक कर लीजिए। नेकलाइन का पार्ट हो गया, ठीक है, मिडिल पैनल हो गया, और ये हो गया इसका दामन वाला पोर्शन। फैब्रिक बहुत अच्छा दिया हुआ है, काफी फैब्रिक है इसमें। बैक हमेशा की तरह प्लेन ही है, येलो में ही देखिए इसकी ट्राउजर है, ठीक है, येलो में फुल फैब्रिक होता है ट्राउजर में। और ये है इसका शिफॉन का दुपट्टा, क्योंकि सूट इतना हैवी है, अगर नेट का दुपट्टा दे देते और एम्ब्रॉयडर्ड दे देते तो वो वाला लुक नहीं आता, थोड़ा गॉडी टाइप्स लगने लगता। तो ये इन्होंने शिफॉन का दुपट्टा दिया है प्रिंटेड, जिससे ये सूट बहुत ही अपीलिंग और बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर टू। आप प्रिंट चेक कर लें, खूबसूरत सा प्रिंट दिया हुआ है। तो ये डिजाइन नंबर टू हो गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ ब्लू शेड डिजाइन नंबर थ्री। ये देखें, दिस इज डिजाइन नंबर थ्री। ब्लू है ये कलर, इसमें नेट एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, पिंक के साथ एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। ये देखें, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है इसका। ये देख लीजिए, ये हमारा डिजाइन नंबर थ्री है। तो आप इसकी एक बार तो विड्थ चेक कर लीजिए, वो आपको आसानी से नजर आ रही होगी। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं सरी है, इसमें रेशम है, ठीक है। ये सीक्वेंस वर्क है और रेशम है, थ्रेड वर्क भी है। तो ये देख लीजिए आप पूरा, बाकी कपड़ा तो वही है, सब में शिफली वर्क है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका मिडिल पैनल दिखा देती हूँ। तो मिडिल पैनल भी पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, इन्होंने फिर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दी है और सीक्वेंस वर्क दिया है। फिर यहाँ पे भी काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, तो वो आप चेक कर लीजिए, बड़ी खूबसूरत सी है, कटवर्क है, शिफली वर्क। और ये साथ में इन्होंने ये दामन पे ऑर्गेन्जा का पैच अटैच करा हुआ है विद कटवर्क के साथ। तो एक बार इसका आप ओवरव्यू चेक कर लीजिए, तो ये देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, स्लीव्स आ गई, स्लीव भी दिखा देते हैं। ये स्लीव्स हो गई, स्लीव्स वाला पार्ट देखिए, बड़ी ग्रेसफुल सी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है स्लीव्स के ऊपर, ये चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये स्लीव्स हो गई, बैक हमेशा की तरह प्लेन है। और ये हो गया इसका ट्राउजर ब्लू शेड में, फुल फैब्रिक होता है ट्राउजर में, बड़ा खूबसूरत डिफरेंट शेड में इन्होंने दुपट्टा दिया है, क्योंकि कलर सूट का डार्क है, तो इन्होंने सिल्वर कलर में दुपट्टा दे दिया है व्हाइट शेड में, ठीक है, सिल्वर काम के साथ, ब्लू एम्ब्रॉयडरी एंड पिंक पट्टी के साथ। तो ये चेक कर लीजिए, वही 2.25 मीटर का दुपट्टा है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, सीक्वेंस वर्क है, कट वर्क है, साथ में एक एक ट्रेजल्स अटैच है फोर कॉर्नर पे। तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर थ्री। नेक्स्ट जो शेड है बहुत ही डिफरेंट, ये भी एक अलग सा कलर है और काफी हैवी सूट है ये भी। तो ये हो गया हमारा डिजाइन नंबर फोर, ब्लू दुपट्टे के साथ दिया हुआ है, दुपट्टा बहुत हैवी है और बिल्कुल पार्टी वेयर है, काफी वेडिंग के लिए भी परफेक्ट है ये सारे सूट्स। ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा शेड है ये, एक अलग ही कलर है बिल्कुल। तो ये आप देख लीजिए, पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, सब जो देख रहे हैं नेकलाइन का पार्ट होगा और सब हैवी एम्ब्रॉयडरी है, सीक्वेंस के साथ दिया हुआ है, जरी भी है इसमें, ठीक है। और ये इसकी काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी देखिए, पैचेस है, पूरा सब लगा हुआ आया है, देख लीजिए स्लीव्स काफी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है, फैब्रिक वही जैम कॉटन होगा, ओके। ये देख लीजिए मिडिल पैनल पर कितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी दी है, पूरा ये नीचे तक एम्ब्रॉयडर्ड है, ये सब जो आप देख रहे हैं जिसमें ये सीक्वेंस नहीं है ये भी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, पूरा सब हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये हो गया इसका दामन वाला पोर्शन, बहुत ही खूबसूरत सी इन्होंने बेल अटैच करी हुई है, ये शिफली वर्क है देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार ओवरव्यू बनता है तो वो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ओके, स्लीव भी हो गए, स्लीव देख लिया आपने। तो ये हो गई ट्राउजर, प्लेन ट्राउजर दी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। दुपट्टा ब्लू शेड में दिया हुआ है और ऑर्गेन्जा के पैचेस इसमें अटैच्ड है दामन के ऊपर, दुपट्टे के पल्लू के ऊपर, और ये नेट दुपट्टा है, ठीक है। ये देख लीजिए, बड़ा खूबसूरत सा दो शेड में इन्होंने कटवर्क के साथ दुपट्टे पे पल्लू दिए हैं, ठीक है। बीच का देख लीजिए आप, काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, ये देख लें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिजाइन नंबर थ्री। नेक्स्ट है डिजाइन नंबर फोर, हो गया ये हमारा। नेक्स्ट हमारा एक डिजाइन है, व्हाइट शेड में दिया है, डार्क कॉम्बिनेशन के साथ लाइट शेड दे दिया है इन्होंने। तो ये देख लें डिजाइन नंबर फाइव, टोटल 6 पीसेस की कैटलॉग है ये, तो सिंगल पीसेस बड़े अच्छे रेट में मिल रहे हैं आपको। तो ये व्हाइट डिजाइन है, ओके, शिफॉन दुपट्टा दिया हुआ है इस पे, व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन बहुत ही डिफरेंट है। ये देखें, लेंथ इनकी बड़ी अच्छी दी हुई है इन सूट्स की, तो लेंथ के लिए ना परेशान हो, और विड्थ भी बड़ी अच्छी है। तो ये देख लीजिए हमारा डिजाइन नंबर फाइव, ये पूरा पैच इसमें अटैच होकर आया, सीक्वेंस वर्क है, ठीक है, पूरे में, और जरी भी लगी हुई है, सब आप जो देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी है, शिफली वर्क वाला फैब्रिक है ये कॉटन में, जैम कॉटन में। और ये देखिए कितने खूबसूरत इन्होंने स्लीव्स बनाई है कॉटन की, प्लस ये इन्होंने नेट पे, इन्होंने ये जो स्लीव्स में नीचे आएगा वो पोर्शन है ये, एक बार मैं दिखा देती हूँ ऊपर की एम्ब्रॉयडरी कॉटन वाली। ये देख लीजिए, बड़ी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी है, दोनों स्लीव्स चेक कर लें, ठीक है। तो ये हो गया, अब आप इसका मिडिल पैनल देख लीजिए, ये वाला पोर्शन हो गया मिडिल का इसका, ठीक है, मिडिल पैनल हो गया ये। ये हो गया इसका दामन वाला पोर्शन नीचे का, ये देख लीजिए, और ये देखिए पूरे पैचेस इसमें सब अटैच होकर आए, ये एक इन्होंने लेस भी दी है, प्लस ये खूबसूरत सी बेल लगी हुई है, पूरा सब अटैच्ड है,
ठीक है, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर है। ये हो गया ओवरव्यू, एक बार चेक करा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, नेकलाइन वाला पोर्शन हो गया, मिडिल पैनल हो गया और ये दामन वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, बैक हमेशा की तरह प्लेन, व्हाइट में ही ट्राउजर दी हुई है। और अच्छा, इसमें शिफॉन दुपट्टा है तो बिल्कुल डिफरेंट लुक आ जाएगा सूट में। जो लोग नेट दुपट्टा नहीं प्रिफर करते हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट है ये सूट। गुड क्वालिटी शिफॉन है, बट ये प्योर शिफॉन नहीं है बिल्कुल। मैं अभी भी बता दूं, क्योंकि इस रेंज में आपको प्योर शिफॉन मिलेगी भी नहीं इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो ये हमारा डिजाइन नंबर 5, विच इज सेकंड लास्ट डिजाइन। अब एक लास्ट डिजाइन और रहता है, तो वो भी जल्दी से फिनिश कर देते हैं। ये देख लीजिए हमारा डिजाइन नंबर 6। दिस इज डिजाइन नंबर 6, लास्ट डिजाइन है। ये भी शिफॉन दुपट्टे के साथ है। पर्पल शेड है, बहुत फैशन में है ये कलर, इस टाइम बड़ा इन है। तो ये देख लीजिए हमारा लास्ट डिजाइन, बेहद ही खूबसूरत और बेहद प्यारा शेड और बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी। पूरा जरी देख रहे हैं आप, जो भी देख रहे हैं पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी है पूरे फैब्रिक के ऊपर। जैम कॉटन इज द फैब्रिक। ये पूरा देख लीजिए सीक्वेंस वर्क है, दरी है, इसमें सीक्वेंस भी लगा हुआ है। स्लीव देख लीजिए, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स दी हुई है। कुछ इन्होंने ये नेट के ऊपर स्लीव्स हैं, ये कॉटन है, प्लस ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये नेट का पोर्शन है, फिर ये कॉटन है, फिर ये नेट का पोर्शन है, ऐसे दिया हुआ है। कटवर्क के साथ इन्होंने स्लीव्स दी हुई है, तो स्लीव्स आप चेक कर लीजिए। ये देख लें, बहुत ही प्यारा है बिल्कुल, स्लीव्स डिफरेंट पैटर्न में दी हुई है। अब आप इसका मिडिल पैनल चेक कर लीजिए, काफी हैवी मिडिल पैनल दिया है। नीचे तक पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, नेकलाइन वाली जो एम्ब्रॉयडरी है नीचे तक आ रही है, प्लस ये नीचे वाला दामन हो गया, ये पूरा सब दामन है। और ये देख लीजिए कटवा के साथ इन्होंने ये दामन को कंप्लीट किया है। तो इसका मैं ओवरव्यू दिखा देती हूँ एक बार जल्दी से। तो ये चेक कर लीजिए सूट का ओवरव्यू, नेकलाइन वाला पोर्शन, मिडिल पैनल और दामन। हमेशा की तरह बैक इसकी देखिए प्लेन है, ट्राउजर वही देखिए है, पूरी प्लेन ट्राउजर दी हुई है और दुपट्टा लाइट शेड में, और एम्ब्रॉयडरी के जो कलर है उनसे मैच करता हुआ बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने ये दुपट्टा दिया है। ये देख लीजिए, क्योंकि हैवी सूट्स है तो इन्होंने कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रखा है इस बार ये। तो ये देख लीजिए, तो ये हो गए हमारे टोटल 6 डिजाइन। एक बार मैं दिखा देती हूँ पूरे कैटलॉग आपको। तो ये 6 डिजाइन है हमारे पास, कुछ लिमिटेड स्टॉक है, बहुत ज्यादा स्टॉक मैंने नहीं इस कैटलॉग का नहीं है मेरे पास। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊंगी एक जबरदस्त और गजब कलेक्शन के साथ। बाय।